ध्यानी बोलो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। एक नई सुबह के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सभी के घरों में वास करे, यही मैं कामना करती हूँ। हो चुका है 11:30, लेकिन मैं अभी तक दुकान में नहीं जा पाई हूँ क्योंकि दिन के बाद भाभी चली जाती है घर। तो मैंने सोचा मैं अपना आधे से ज़्यादा काम निपटा करके इस टाइम चली जाऊँगी। तो देखो मैंने क्या क्या काम निपटा है, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मंदिर का ये वाला पोर्शन ऐसे मैंने सारा सजा दिया है और अभी रंगोली भी बन रही है। अभी जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ रंगोली। तो रंगोली भी बन के हो गई है तैयार, ऐसी बनी है रंगोली। तो लो जी पहुंच गई हूँ मैं दुकान में। पूरा 12:30 हो गया, 12:30 बजे मैं आ रही हूँ दुकान में। पर एक काम मेरा बिल्कुल फाइनल ख़त्म हो गया, तो टेंशन ख़त्म। दूसरी चीज़ें हैं कि खाना बनाना दिया ये वो सब वो अलग बात है। तो लक्ष्मी माता जी का भोग हो गया है तैयार। मैं पहनने वाली हूँ आज ये सूट, आज नहीं पहनूंगी मैं साड़ी। तो ये आया है दीपावली के लिए स्पेशल सूट। तो अब मैं हो जाती हूँ रेडी। तो ये पहन चुकी हूँ मैं सूट और अब कर लेती हूँ थोड़ा सा मेकअप। तो अभी मैंने कर दी है पूरी तैयारी और सारे जगह मैंने दिए रख दिए हैं ऐसे। अब थोड़ी देर में ये सारे दिए मैं जलाऊँगी। तो दोस्तों हो चुकी हूँ मैं रेडी और इस बार मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने पहना है सूट। क्योंकि बहुत दिन से किसान मेला में मैंने साड़ी पहनी थी, तो मन सा नहीं था साड़ी पहनने का। तो मैंने दिवाली के लिए स्पेशल लिया हुआ था ये सूट। तो अब जलाते हैं दिए, फिर उसके बाद होगी पूजा। तो मिस्टर साहब ही हो गए रेडी और अब हम पहले जला लेते हैं दिए। दिए जलाने स्टार्ट करेंगे ऊपर से और इस बार एक बड़ी मैजिक सी लाइट ला के हम दिखाती हूँ आपको मैं। मुझे पहले पता चलता तो फिर मैं सारी वही लाइट्स लेती, बहुत सुंदर लग रही है वो लाइट। स्टार्ट करते हैं मंदिर से दिए जलाने। पूजा वाला तब जलाएंगे, हाथ धो के आएंगे, मुंह हाथ धो के पटाखे के लिए। तो खैर वो सब अगरबत्ती वो भी अच्छी होती है ना, फुल वगैरह। बहुत सुंदर लाइट नहीं है ये, ठीक है। मुझे पहले पता ही नहीं था ना, मैं तो सारी यही लेकर आती। माजी माजी तो लाइट्स पूरी ऑफ करके और भी खूबसूरत लग रहा है। Thank you.
टच ये दिया गया है दिवाली के लिए, फाइनल टच। शुभ दीपावली। तो अब जल चुके हैं सारे दिए और अब जाते हैं पूजा रूम में, अब कर लेते हैं थोड़ा सा पूजा पाठ। जय हो माता रानी। पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े आर चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े आर चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश को निस दिन ध्यावत मैया जी को दिन ध्यावत हरि ब्रह्म माता, ओम जय लक्ष्मी माता। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा प्यारा सा नजारा है। वाव, हमेशा लाइफ में ऐसे ही रहेगा तो कितना बढ़िया है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो दोस्तों घर की पूजा कर ली है पूरी, अब हम लोग जाएंगे दुकान में, और दो ही लोग हैं लेकिन कोई नहीं, फिर भी करा एंजॉय करा जैसा होता है, पूरा सेलिब्रेशन ढंग से किया। तो अब हम निकल रहे हैं दुकान पर, तो अब आ गए हम दुकान में पूजा करने। टाइम कितना हो रहा है, 9 बजे क्या, 9 बज गया है, 2 घंटा और रोड में हो रही है खूब। बोलो भी ना कि खूब बरकत करे। स्टेशन पर खूब आतिशबाजी हो रही है, आपको आवाज आ रही होगी। तो ये ओम भी बन गया, स्वास्तिक भी बन गया। चलो मिस्टर साहब पर क्या क्या करेगा मिस्टर साहब। यहाँ के देखा मैंने, मेरा सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, और कानों के झुमके भी सुंदर सुंदर लग रहे हैं। नहीं तो अपने को निहारने का टाइम मिलता कब है, काम 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 काम। ऐसा हो रखा है रात को 9 बजे गैरसन का स्टेशन। अब जा रहे हैं हम, यहाँ पे बना है भैया लोगों का मकान, तो
वहाँ भी थोड़ा सा एक दिया जला के आ जाते हैं। पहुँच चुके हैं हम भैया के घर में। आप देख क्या आतिशबाजी हो रही है, तो गेट भी लग रहा है, चलो यहीं से जला लेते हैं। भैया देख लेना भाई, तुम्हारे वहाँ मैं दीपक जलाने भी आ गई। भैया भाभी दोनों देख लेना मेरे ब्लॉग के माध्यम से क्या रॉकेट उड़ रहे हैं। अब पहुंच गए हम अपने मोहल्ले में। तो ये हमारा मोहल्ला तो बहुत सुनसान मोहल्ला है भैया। चुके हैं खाना, दिवाली सेलिब्रेशन हुआ पूरा, अब आई है पटाखों की बारी। क्या क्या लेके आए हो तुम? अनार, फुलझड़ी, ये क्या है? ये अनार। अच्छा, और ही लाए क्या फुलझड़ी? फुलझड़ी लाया तो मैं। कहाँ है? वहाँ रखा था मैंने। कहाँ पे रखा था? तू फुलझड़ी की पैकेट दियो। जो मेन चीज है फुलझड़ी, ये वहीं छोड़ के आ गए। दो पैकेट थे, बता देना उसको। ठीक है, बता दूँ। ये कितना शॉर्ट है? 50 शॉर्ट। ओ मजा आएगा फिर तो। अब पटाखे नहीं लाए? अरे बहुत 50 चोट हो जाएगी। ठीक तो है, अनार फूट जाएगा, 50 चोट हो जाएगी। अब जा रहे हम लोग पटाखे फोड़ने छत पे, तो वहाँ अंधेरा भी है। मजा आ गया जी। फोड़ दिए हैं पटाखे, लेकिन यार मेरी जो मेन चीज फुलझड़ी, मिस्टर साहब इसको जहाँ से खरीदी वहीं छोड़ के आ गए। फुलझड़ी जलाने में तो कितना मजा आता है। तो दोस्तों हो चुका है दिवाली का पूजा पाठ, दुकान भी मैं होके आ गई हूँ और पूजा कर ली है। अब बनाऊंगी रोटी, और खाना तो बन चुका है मेरा, बस बनानी है रोटी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, किस ढंग से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया? दो ही लोग थे, बच्चे भी नहीं आए, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन खूब इंजॉय किया, बढ़िया ढंग से दिवाली मनाई। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।